दोस्तों, अगर ये सेटिंग और ये कैलिब्रेशन आपको पूरा देखना है तो वीडियो स्किप मत करिए और पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा PMS-63 मदरबोर्ड का सेटिंग और कैलिब्रेशन। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तो मेरा मन और करेगा वीडियो बनाने का, अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करेगा। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि एक दिन मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था वजन काटे के रिलेटेड, वेइंग मशीन के रिलेटेड, तो कोई भी मुझे एक भी वीडियो पूरी जानकारी वाली नहीं दिखी जिसमें पूरा बताया गया हो। किसी किसी में था पर शॉर्टकट में ही सबने बताया हुआ था। आज मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को PMS-63 मदरबोर्ड का सेटिंग्स, पैरामीटर सेटिंग्स और कैलिब्रेशन बताऊँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, ये है PMS मदरबोर्ड, इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। इसके वायरिंग और रिपेयरिंग के लिए तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, पर अभी फ़िलहाल मैं पैरामीटर सेटिंग और कैलिब्रेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कभी कभी ये कीबोर्ड में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। किसी में MR होता है, किसी में M+ होता है, किसी में मोड होता है, किसी में ऊपर एरो होता है, किसी में नीचे एरो होता है। तो मैं आपको ये ऐसे बताता हूँ कि आपको ऐसे समझ में आएगा कि कैलिब्रेशन किससे होता है और सेटिंग किससे होता है, मतलब पैरामीटर सेटिंग किससे होता है। कांटे को यहाँ से बंद कर दीजिए मशीन को और एक बार सिंगल बटन दबा के चेक करिए। अभी इसे अनलॉक क्लिक किया रहा है, इसका मतलब इससे कैलिब्रेट होगा, कैलिब्रेशन होगा इसका। ए वाले बटन से डल होके आ रहा है, इसका मतलब ये काउंट का बटन है, इससे काउंट आप पता कर सकते हो क्या है। ये बटन से पासवर्ड लिख के आ रहा है, तो ये बटन पासवर्ड दबाने पे पासवर्ड लिख के आ रहा है, इसका मतलब कि इससे आपका पैरामीटर सेटिंग होगा। ठीक है, अभी मैं आपको पैरामीटर सेटिंग बताऊंगा, बाद में आपको कैलिब्रेशन बताऊंगा आपको। कांटे को यहाँ से बंद कर दीजिए। अभी आपने ये समझ लिया कि ये दबा के चालू करने पे पासवर्ड आ रहा है, इसका मतलब पैरामीटर सेटिंग इसी से है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट टेयर बटन एक बार प्रेस करेंगे, यहाँ पे NF1 लिख के आ रहा है। NF का मतलब दोस्तों होता है जीरो है तो वह अपना वेइंग मोड पे है, वन है तो वेइंग मोड पे है, टू है तो काउंट मोड पे है, थ्री है तो लीटर मोड पे है। इसका मतलब NF का मतलब यही होता है। अभी डिस वन, अगर आपको पावर सेविंग मोड पे रखना हो तो वन रखिए, अगर आपको दो रखना है, दो जीरो पावर सेविंग में रखना है दो रखिए, आपको जीरो रखना है तो कंटिन्यू जीरो चलेगा, चारों जीरो आएंगे। फिर आगे चलते हैं, आगे है A-03, इसका मतलब होता है दोस्तों ऑटो। अभी हम एक रख देते हैं, समझिए ये 5 ग्राम का मशीन है, तो 5 ग्राम की मशीन में मुझे 15 ग्राम से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसको हम एक रखेंगे। अगर यही चीज़ मैं 20 ग्राम से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो इसको हम दो रखेंगे। अगर नॉर्मल रखना चाहते हैं तो तीन रख सकते हैं, नॉर्मल हर मशीन में तीन ही रहता है। ये ऑटो हो गया कि आपका मिनिमम बैलेंस के, मिनिमम वजन के ऊपर ये बताएगा। अभी आगे चलते हैं, DU-01, इसका मतलब होता है दोस्तों आपको पैरामीटर को कन्वर्ट करना। कन्वर्ट मतलब अगर आप जीरो कर देते हैं इस चीज़ को, अगर जीरो कर देते हैं तो जो इसमें पहले से सेटिंग है वो 30 किलो का सेटिंग बना हुआ है, सब नॉर्मल के फॉर्मेट में रहेगा जो आपको पहले से इनबिल्ड आता है मदरबोर्ड में। अगर यही चीज़ आपको 100 किलो से ऊपर बना, 99 kg तक आपको अगर 5 ग्राम से रखना है तो जीरो ही रखना है। अगर 99 के बाद अगर आपको 100 kg के 99 के बाद आपको वजन करना है तो इसको 1 रखना पड़ेगा आपको। समझिए मुझे इसको 150 किलो या 100 किलो बनाना है तो मैंने 1 रख दिया। अभी आगे चलते हैं, CS का मतलब है कैपेसिटी, आप कितने रेंज में रखना चाहते हैं, 1, 2, 3, सपोर्ट
100 किलो 200 300 ऐसा रखना चाहते हैं, 50 100 150 ऐसा रखना चाहते हैं, समझिए मुझे दो रखना है, 100 किलो और 150 किलो मैंने दो रख दिए। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी कैपेसिटी बनाना है। अभी मुझे अगर 100 ग्राम 100 किलो के ऊपर लेना है तो ये 200 किलो का मशीन है, तो इसको मैं 100 किलो कर देता हूँ, 10,000 है मतलब 100 किलो। अगर आपने DU01 किया है तो 10,000 का मतलब 100 किलो होता है, अगर DU00 है तो 10,000 का मतलब 10 किलो होता है। तो DU01 पे डिपेंड करता है, आप 0 पे रखे हो तो ये 10 किलो है, अगर 1 पे रखे हो तो 100 किलो है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, DP14, अभी आपका DP4 ही रहता है नॉर्मल रेंज में, 99% लोग 4 ही रखते हैं। अगर समझो आपको डेसिमल चेंज करना है, मिलीग्राम में जाना है, ये सब जाना है, उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो बना के बता दूंगा। फिर आगे चलते हैं FD का मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आप समझो 100 ग्राम 100 किलो रखे हुए तो आपको नॉर्मल 10 ग्राम रखना है, और 100 किलो क्लास 3 में 10 ग्राम ही आता है लॉ के रूप में, लॉ के हिसाब से, तो इसको एक कर देते हैं। अगर ये भी DU01 के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने DU00 रखा है तो ये 1 ग्राम है, अगर आपने DU01 किया है तो ये 10 ग्राम होगा। तो ये कैपेसिटी और एक्यूरेसी ये आपके DU01 पे डिपेंड करता है, DU01 और DU0 पे। अगर मैंने DU01 रखा है इसका मतलब 10 ग्राम है, अगर 0 रखता है तो 1 ग्राम होता। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी मैंने क्योंकि CS2 रखा था, अगर CS1 रखता तो एक ही कैपेसिटी आता, CS2 रखा है तो दो कैपेसिटी आएगा, CS3 रखता तो तीन कैपेसिटी आता। अभी CS2 में मुझे 150 रखना है तो टेल दबाते हैं, ये 15,000 है, इसका मतलब ये 150 किलो है। आप इसको वापस कर सकते हो, इससे इंक्रीज होगा और इससे शिफ्ट होगा, ये आपको ध्यान देना है कि जिस बटन से अनलॉक लिख के आता है, दबाकर चालू करने पे जिस बटन से अनलॉक लिख के आता है उससे पहला तो कैलिब्रेशन होता है और दूसरा उसका नंबर इंक्रीज होता है, मतलब 1 2 3 4 एक से लेकर 9 तक जाता है, और जिस बटन से पैरामीटर सेटिंग आता है मतलब पासवर्ड आता है, उस बटन से आपका नंबर शिफ्ट होता है। ये 150 किलो बना दिया हमने, अभी DP2 आए। अगर मैं CS1 रखता तो ना DP2 आता ना FD2 आता, तो अभी DP2 में भी 4 रहने देना है। अभी FD2 आया, अगर यही CS1 रखता तो ये FD2 या DP2 आता ही नहीं, अगर आप यही CS3 रखेंगे तो सेम चीज़ आपको DP FD और कैपेसिटी तीनों चीज़ आपको 3 बार आएगा। तो ये मैंने 2 रखा इसलिए 2 बार आया, फर्स्ट में मैंने 1 रखा है, सेकंड में भी 150 किलो में 1 रख सकते हैं। अभी ये आया लीटर का ऑप्शन LITD, ये लीटर मीन्स जैसे आपको कैजुअली लगता है कि कोई कोई वजन और लीटर का वजन अलग अलग होता है, लीटर का वेट अलग होता है और केजी का वेट अलग होता है, तो ये लीटर मूड है, समझिए आपका कोई वेट 1 किलो में आपका कोई कंटेंट है, जो जैसे पानी आप पकड़ लिए तो आपको एक वजन में 1 किलो है, पर पानी जो है 1 किलो को 900 ग्राम है वहाँ पर, तो यहाँ पे आपको 900 ग्राम रखना है, 800 ग्राम है तो 800 रखना है, 700 ग्राम है तो 700 रखना है, ये लीटर का है, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम टेयर दबा देंगे, मशीन ऑन हो जाएगा, अभी ये सिंपल हो गया, अभी ये 1 किलो को 1 किलो बता रहे हैं, समझिए कि मुझे ये 1 किलो को हटा देना है और आपको 5 किलो से कैलिब्रेट करना है मुझे, मैंने ये 5 किलो रख दिया। अभी ये बटन दबाने से, मैंने आपको बताया था ना, फिर से बता देता हूँ, जिस बटन से अनलॉक लिख के आएगा इससे काउंट आया, इससे नहीं है कैलिब्रेशन हमारा, इससे पासवर्ड आया, इससे नहीं है, इससे पैरामीटर सेटिंग है, इससे अनलॉक है, इसका मतलब कि कैलिब्रेशन इसी बटन से होगा जिससे अनलॉक आता है, और दूसरा चीज़ इससे इन नंबर इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 9 तक जाएगा, ये बात को आप लोग ध्यान रखें। कांटे को बंद करके चालू कर देना है और वेट लेना है, दोस्तों ये मेरा स्टैंडर्ड वेट है स्टील का, ये रख दिया हमने।
अभी यहाँ पे ये 5 किलो बता रहा है, परफेक्ट है। मतलब फिर से हम इसको कैलिब्रेट करके आपको बता देते हैं। ये बटन को 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, जिससे अनलॉक लिख के आता है बंद करके चालू करने के। सिंपल, इसमें पासवर्ड लिख के आ जाएगा। किसी किसी में पासवर्ड रहता है, किसी किसी में नहीं रहता है, तो वो डिपेंड करता है आप जहाँ से पीसीबी परचेस करते हो उनसे आप पूछ लो कि वो उन्होंने पासवर्ड क्या रखा था। अगर समझो आपको पासवर्ड नहीं भी खुल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पासवर्ड रीसेट करने का, ठीक है। अभी इसको मैं टेयर दबाता हूँ पासवर्ड आने के बाद। अभी ये इसमें पासवर्ड हमें फिल करना है, सॉरी पासवर्ड इसमें नहीं है, नॉर्मल है। अभी इससे अनलॉक आया, इससे कैलिब्रेशन हो रहा था, इससे नंबर भी इंक्रीज होगा। ये हमें 5 बार दबाना है, 5 आ जाएगा। अभी इसको मुझे शिफ्ट करना है, क्योंकि ये मैंने DU01 रखा, इसलिए मुझे ये 500 पे सेट करना है। अगर DU01 नहीं रखता, 00 रखता, तो इसको मुझे 5000 बनाना होता। ये बात का भी ध्यान रखना कि DU01 कैलिब्रेशन पे यहाँ भी ये चीज़ इसको लगेगा। अगर आपने DU01 रखा है तो आप 5 किलो को 500 ही बना के रखोगे, 1 किलो है तो 100 बना के रखोगे। ये हिसाब से आपको DU01 पे बनाना है। अगर आप 100 किलो के ऊपर वजन 100 किलो के ऊपर पैरामीटर सेटिंग कर रहे हैं तो इसके बाद हमें क्या कर देना है, टेयर दबा देना है। अभी ये वेट कंफर्म हो गया, ये 1 किलो रखेंगे तो 6 किलो दिखेगा। इसके रिलेटेड दोस्तों अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझे कमेंट करिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मैं आपको कॉल करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी ये लगता है कि आपको मुझे ये पूछना चाहिए क्या नहीं, तो उस बारे में भी हम कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हो, मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। Thank you.